एसिटोन एसिड होता है जेड़े। अगर आप सबको मेरी आवाज क्लियर है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे इन्फॉर्म करें ताकि आज के इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ पाकिस्तान के नंबर वन फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। इस टाइम आप लोग लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर हैं, जो कि रजिस्टर्ड है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। लर्निंग विद अर्निंग का प्लेटफॉर्म 2016 से पाकिस्तान के 350 से ज्यादा शहरों में लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब तक 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका है, 40,000 से ज्यादा सेशंस कंडक्ट करवा चुका है लर्निंग विद अर्निंग का प्लेटफॉर्म, 16 से ज्यादा टॉप रेटेड मेंटर्स, 22 से ज्यादा डिजिटल स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस टाइम आप लोगों का डेमो सेशन है जो कि फ्री है, पेड नहीं है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड वेब डेवलपमेंट बाय सर हुमायूं शहाब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो कोर्सेज हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक सेपरेट कोर्स है, वेब डेवलपमेंट एक सेपरेट कोर्स है। इन दोनों कोर्सेज के मेंटोर एक ही है, सर हुमायूं शहाब। स्टूडेंट, पर कोर्स फीस 1500 है, दोनों कोर्सेज की फीस 3000 है। आप चाहें तो किसी एक कोर्स में भी इनरोल करवा सकते हैं और आप चाहें तो दोनों कोर्सेज में भी इनरोल करवा सकते हैं। फीस आप बजरिया चेस कैश, इजी पैसा और किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी। अगर आप सबके साथ मेरी स्क्रीन विजिबल है तो काइंडली चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे इन्फॉर्म करें। ओके स्टूडेंट, चैट बॉक्स में आपको एक लिंक रिसीव होगा, काइंडली इस लिंक को आप सब ज्वाइन करेंगे। ये लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है। ज्वाइन करने के बाद काइंडली चैट बॉक्स में मुझे लास्ट में इन्फॉर्म कीजिएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी कोई भी क्यूरीज हो अबाउट ऑनलाइन अर्निंग के, डिजिटल स्किल्स के, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस ग्रुप को टॉप रेटेड मेंटोर्स ने और पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री से 54,000 लोगों ने ज्वाइन किया है। सो काइंडली आप लोग लास्ट में इस ग्रुप को ज्वाइन करें और मुझे चैट बॉक्स में लास्ट में इन्फॉर्म करें। लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर इनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, पेड सेशन का लिंक दिए जाएंगे ताकि आप इजीली अपनी क्लास को अटेंड कर सकें, मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी, लेक्चर में कोई भी मसले मसाले आएंगे उन्हें सॉर्ट आउट करवाया जाएगा और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस टाइम आप लोगों का डेमो सेशन है जो कि फ्री है, पेड नहीं है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड वेब डेवलपमेंट बाय सर हुमायूं शहाब। आपके मेंटोर हमारे साथ लाइव है, मैं उन्हें वेलकम कहूंगी आज के इस डेमो सेशन में। उन्हें मैं आपके साथ कनेक्ट करने जा रही हूं, काइंडली वेट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, काइंडली अपने वेबकैम ऑफ रखें, किसी भी स्टूडेंट का वेबकैम ऑन नहीं होना चाहिए, काइंडली अपने वेबकैम ऑफ रखिएगा। आपके वेबकैम ऑन होने का इस सेशन में कोई भी मकसद नहीं है, सो काइंडली इस चीज का ख्याल रखिएगा।
सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप आज के इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमाम लोगों को वार्म वेलकम करते हैं LW के प्लेटफॉर्म से। आज आपने हमें ज्वाइन किया है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट डेमो सेशन के लिए, और SEO डेमो सेशन के लिए ये दो बेसिकली अलग-अलग कोर्सेज हैं। डेमो हमारा कंबाइन होता है, आप इन कोर्सेज को भी, दोनों कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप किसी एक कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के डेमो के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि आज के डेमो के हमारे बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में गाइड करूंगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको SEO के बारे में बताऊंगा कि SEO क्या है, कैसे परफॉर्म की जाती है, और लास्ट में हम देखेंगे कि इन दोनों स्किल्स से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी आज का डेमो सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इंटरनेट का मीडियम इन्वेंट हुआ और पहली वेबसाइट बनाई गई तो वो वेबसाइट्स कुछ इस टाइप होती थी जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये बेसिक वेबसाइट्स होती थी जिनके ऊपर आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते थे और लोग इन्हें रीड आउट करते थे और इससे हेल्प लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा जिद्दत आती गई। कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स थे जिन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर हम इस मीडियम को प्रॉपरली यूज करें तो हम अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सर्विसेज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, और हम अपनी व्यूअरशिप भी बढ़ा सकते हैं। गोल्डन एरा कहलाता है जी। उस गोल्डन एरा में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे सामने आए, लाइक Amazon, eBay, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, और पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर आपसे बात करूं तो पाकिस्तान में Daraz.pk जैसे प्रोजेक्ट्स आए और उन्होंने ये प्रूव किया अगरचे आपका ऑफलाइन बिजनेस ना भी हो आप तब भी ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, वो प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रहा था, वेबसाइट जो डिजाइन की जाती थी वो बेसिकली कोडर्स या प्रोग्रामर्स करते थे। तो कुछ कंपनीज हैं, उन कंपनीज में से एक कंपनी है जी वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस ने ये डिसाइड किया एक CMS डिजाइन किया जाए उन लोगों के लिए जो वेब डिजाइनिंग का शौक रखते हैं लेकिन उनका IT या कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। CMS में बेसिकली क्या होता है कि आपको डेटाबेसेस बनी बनाई मिलती हैं, आपको तमाम चीजें बनी बनाई मिलती हैं, आप जस्ट क्लिक करते जाते हैं और आपकी वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलप होती जाती है। बेसिकली अगर आप इसको कोडलेस वेबसाइट डिजाइनिंग कहें तो भी सही होगा क्योंकि इसमें हम किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, हम विदाउट प्रोग्रामिंग वेबसाइट डिजाइन करना सीखेंगे। मैंने आपसे वर्डप्रेस की बात की है तो वर्डप्रेस के कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको दिखाता चलूं कि हमने वर्डप्रेस के ऊपर डिजाइन किए हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट है जी हमारा वुमेन क्लॉथिंग स्टोर है मौलविश के नाम से। इस टाइप के स्टोर कैसे बनाए जाते हैं, इन्हें ई कॉमर्स स्टोर कहा जाता है। ई कॉमर्स के मार्केट बहुत ज्यादा ऑर्डर आप लोग आजकल ले सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर में लोगोस कैसे प्लेस किए जाते हैं, मेन्यूज कैसे बनाए जाते हैं, बैनर्स कैसे प्लेस किए जाते हैं, ये ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आप इस ई कॉमर्स स्टोर का। इसमें आप देखिए डिफरेंट सेक्शंस कैसे बनाने हैं, प्रोजल्स कैसे लगाने हैं, उसके अलावा FAQs का सेक्शन कैसे बनाना है, आपने वीडियोज कैसे एम्बेड करनी है, साइन अप फॉर्म्स कैसे लगेंगे, सोशल मीडिया कैसे अटैच होगा, ये तमाम चीजें आपको ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट में सिखाई जाएंगी। सेकेंड नंबर पे हम आपको सिखाएंगे कि सर्विसेज की वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं। ये हमारी एक क्लाइंट है, लॉ फर्म है बेसिकली, और FPR से रेलिवेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये मैं आपको ओवरव्यू एक दे रहा हूँ, ये कंपनी का शॉर्ट पोर्टफोलियो है। उसके अलावा सर्विसेज का सेक्शन है, उसके अलावा न्यूज एंड ब्लॉग का सेक्शन है, टीचिंग सेक्शन है ताकि हमारा क्लाइंट हमसे कॉन्टेक्ट कर सके। हमने कंपनी के प्राइमरी प्रैक्टिस एरियाज यहाँ पर डिफाइन किए हैं, के अलावा हमने एक ओपन फॉर्म अटैच किया ताकि हमारा क्लाइंट इन तमाम चीजों के बारे में जो भी क्वेरी पूछना चाहता है वो हमसे पूछ सके। और लास्ट में हमने फुटर डिजाइन किया। इस टाइप की वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं वर्डप्रेस पे आपको सिखाया जाएगा।
लास्ट में हम आपको सिखाएंगे कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। ब्लॉग बेसिकली क्या होता है, ब्लॉग रिटन फॉर्म में कंटेंट शेयर किया जाता है। आपको ये कंटेंट राइटिंग भी सिखाई जाएगी कि ये किसी भी वेबसाइट के लिए आप कंटेंट कैसे राइट कर सकते हैं। अगर आप ये 3 टाइप्स की वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं, इसके बाद आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। आप रियल स्टेट की वेबसाइट बनाइए, आप पोर्टफोलियोज बनाइए, एफिलिएट मार्केटिंग के बनाए, स्कूल्स की, बुटीक्स की, फैशन से रिलेटेड, रेस्टोरेंट्स की, किसी भी टाइप की कोई भी वेबसाइट आप इसके बाद डिजाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन शेयर करने जा रहा हूँ। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स आउटलाइन है। बेसिकली हमारे इस कोर्स के 2 लेवल्स हैं, एक बेसिक लेवल है और एक एडवांस लेवल है। बेसिक लेवल में हम बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से आपको सिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। साथ साथ आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, जो लोग अपनी असाइनमेंट्स टाइमली परफॉर्म करेंगे उन्हें एडवांस लेवल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। आज हमने वेब डिजाइनिंग का कुछ इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया है। आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट इंपॉर्टेंस शेयर करेंगे कि वेब डिजाइनिंग स्किल बेसिकली क्या है और आप इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होती है। डोमेन क्या है, जैसे google.com है, facebook.com है, ये तमाम डोमेन नेम कहलाते हैं। डोमेन नेम की रिसर्च कैसे की जाती है, डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी कैसे चेक की जाती है और डोमेन को परचेस कैसे किया जाता है, ये आपको सिखाया जाए। जब आप डोमेन परचेस कर लेते हैं, डोमेन परचेस करने के बाद आपको जरूरत होती है होस्टिंग। अब होस्टिंग बेसिकली क्या है, जैसे आपके कंप्यूटर में CD/E ड्राइव होती है जहां पर आप अपना डाटा मैनेज करते हैं, इसी तरह आपको ऑनलाइन स्टोरेज की जरूरत होती है जहां पर आप अपनी वेबसाइट का डाटा अपलोड करते हैं। तो होस्टिंग कंपनी कैसे फाइंड आउट की जाती है और होस्टिंग कैसे परचेस की जाती है, ये आपको सिखाया जाएगा। डोमेन और होस्टिंग परचेस करने के बाद हम आपको एक एक्सक्लूसिवली ओवरव्यू देंगे रिसेलर होस्टिंग पैनल का, जहां पर हम आपको सिखाएंगे DNS सेटिंग करते हुए आप डोमेन और होस्टिंग को आपस में कैसे अटैच कर सकते हैं। जब आप डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास एक्सेस आ जाता है कंट्रोल पैनल का। अब कंट्रोल पैनल बेसिकली क्या है, ये अपने वर्ड से डिस्क्राइब कर रहा है कि ये वो जगह है जहां से आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल पैनल का कंप्लीट ओवरव्यू आपको देंगे। वर्डप्रेस हम कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस क्या है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा स्किल्स हम आपको सिखाएंगे, एक ये कि सबडोमेन कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करेंगे, क्यों क्रिएट किया जाता है, सबडोमेन के ऊपर अलग से वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और क्लाइंट से इसके एक्स्ट्रा चार्जेस आप कैसे ले सकते हैं। सेकेंडली हम आपको सिखाएंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, इसके आप क्लाइंट से अलहदा चार्जेस ले सकते हैं जो कि 1,000 रुपए से लेके 3,000 रुपए तक होते हैं, जिस पे भी क्लाइंट एग्री हो आप उतने चार्जेस ले सकते हैं। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले एक अच्छे थीम की जरूरत होती है। आप थीम बेसिकली क्या है, जैसे आपको खूबसूरत नजर आने के लिए एक अच्छे लिबास की जरूरत होती है, इसी तरह आपकी वेबसाइट खूबसूरत बनाने के लिए एक अच्छे थीम की जरूरत होती है। थीम कैसे चूज किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है आपको सिखाएंगे। थीम के साथ कुछ प्लगइन्स यूज होते हैं। प्लगइन्स बेसिकली क्या है, आप सिक्योरिटी के लिए भी यूज करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। प्लगइन्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको देंगे, प्लगइन्स कैसे चूज किए जाते हैं, प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और प्लगइन्स को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, तमाम चीजें आपको सिखाएंगे। इसके साथ ही आपको वेबसाइट ब्रांडिंग के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि एक अच्छा सा लोगो और बैनर आप कैसे 20-30 मिनट में डिजाइन कर सकते हैं। कंप्लीट थीम कस्टमाइजेशन आपको सिखाई जाएगी कि पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, डिफरेंट सेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, कंटेंट वेबसाइट पे कैसे राइट किया जाता है आपको सिखाया जाएगा, एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाया जाता है, एक कंप्लीट सर्विसेज की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और एक कंप्लीट या परफेक्ट ब्लॉग आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस में, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ आपको कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सिखाए जाएंगे जिनसे हम अपनी वेबसाइट हैकर से सिक्योर करते हैं। ये बेसिकली प्लगइन्स होते हैं, इन प्लगइन्स के भी आप एक्स्ट्रा अपने क्लाइंट से $50-70 चार्जेस पर प्लगइन ले सकते हैं, ये एडवांस लेवल में इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। ये स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स आउटलाइन था वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हम बात करेंगे जी SEO के बारे में। किसी भी वेबसाइट को बनाने के बाद उसको रैंक किया जाता है सर्च इंजन के ऊपर। SEO बेसिकली एब्रिवेशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का
और सर्च इंजन एक ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वीडियो को, वो भले यूट्यूब की हो, वीमियो की हो या किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, और किसी भी इमेज को आप सर्च इंजन के ऊपर कैसे रैंक करते हैं आपको सिखाया जाएगा। SEO को समझने के लिए आपको सबसे पहले सर्च इंजन को समझना होगा। सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है? सर्च इंजन के पास बैकएंड पे डेटा सेंटर्स होते हैं जहां पर सर्च इंजन डिफरेंट इंडेक्सेस बनाता है डिफरेंट कंटेंट। अब इंडेक्स को अगर हम उर्दू में बात करें तो इंडेक्स को उर्दू में फहरिस्त कहते हैं, और जैसे ही हम कोई डेटा टाइप करते हैं, कोई कीवर्ड हम टाइप करते हैं सर्च बार में, तो ये हमें रिजल्ट शो करवाता है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आईफोन, अब देखिए कि आईफोन से रेलेवेंट गूगल मुझे काफी सारी सर्चेस जो हैं वो शो करवा रहा है। इसमें वेबसाइट्स भी हैं, इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं। देखिए, ये आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं और ये आपको टॉप स्टोरीज नजर आ रही हैं, कुछ वेबसाइट्स भी आपको नजर आ रही हैं। बेसिकली रैंकिंग क्यों की जाती है, आपके माइंड में आएगा ये क्वेश्चन। मैं आपको सबसे पहले गूगल की ट्रैफिक दिखा देता हूँ। देखें, गूगल की मंथली ट्रैफिक जो है वो बेसिकली 88.10 बिलियन है। आप समझ सकते हैं कि ये अरबों लोग हैं जो हर महीने गूगल को विजिट करते हैं, और अगर हम ये सपोज कर लें टोटल ट्रैफिक सिर्फ 0.25% ही हमारे इस कीवर्ड के ऊपर आए, तो आप समझ सकते हैं कि लाखों की ट्रैफिक एक कीवर्ड के ऊपर आती है, और जो भी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे इमेज या वीडियो रैंक कर जाता है उसे ये फायदा होता है कि उनके बिजनेस में इजाफा होता है। इसीलिए हर छोटी बड़ी कंपनी की ये कोशिश होती है कि वेबसाइट बनवाने के बाद उस वेबसाइट को रैंक किया जाए सर्च इंजन में, ताकि उनका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जी हम कोर्स आउटलाइन शेयर कर लेते हैं। ये भी बेसिकली बेसिक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है। इसमें आपको बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से सिखाएंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली कैसे परफॉर्म की जाती है। साथ साथ आपको असाइनमेंट्स देंगे। जो लोग अपनी असाइनमेंट्स टाइमली परफॉर्म करवाएंगे उन्हें एडवांस लेवल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल किया जाएगा। कोई हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। एसईओ के किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको प्लानिंग करनी होती है, प्रिपेयर्ड होना होता है। प्लानिंग में हम आपको बताएंगे कि आपने ऑर्गेनाइज्ड कैसे होना है, किसी भी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन आप कैसे हासिल करेंगे, क्लाइंट अपनी वेबसाइट से क्या चाहता है, इसके लिए कुछ डाटा शीट्स हमने बनाई है वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे, किसी भी वेबसाइट की हेल्थ आप कैसे चेक कर सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। जब आप प्लानिंग कर लेते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, उसके बाद हमने वेबसाइट्स का एसईओ ऑडिट करना होता है, जिसको आप मार्केट में अलग से सेल कर सकते हैं $50 to $250 में। अब बेसिकली आपके पास दो टाइप की वेबसाइट्स के ऑर्डर आते हैं, एक न्यू वेबसाइट्स होती है और एक ओल्ड वेबसाइट्स होती है। न्यू वेबसाइट्स को आपने रीडिजाइन करना होता है, और न्यू वेबसाइट्स के लिए आपने स्ट्रेटजी बिल्ड करनी होती है। अब ओल्ड वेबसाइट की आपने रैंकिंग कैसे मेंटेन करना है, बैकलिंक प्रोफाइल कैसे गेट करना है, URL स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तमाम चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। और न्यू वेबसाइट्स के लिए आपने स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, उसके बारे में भी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स मौजूद होते हैं मार्केट में, आपको कंपटीशन एनालिसिस भी सिखाया जाएगा। ये भी सर्विस आप मार्केट में अलग से सेल कर सकते हैं, जिसके चार्जेस $100 to $500 तक होते हैं। आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे कंपटीशन एनालिसिस का, और आपको बताएंगे कि आप कैसे टॉप ऑनलाइन कंपटीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज को आप कैसे चेक कर सकते हैं। कंपटीशन एनालिसिस के लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, उन टूल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाए। कीवर्ड रिसर्च आपको सिखाएंगे। बेसिकली एसईओ में कीवर्ड्स जो है वो बैकबोन की हैसियत रखते हैं। प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कैसे परफॉर्म की जाती है, कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स की ट्रेनिंग आपको देंगे। कीवर्ड्स की टाइप्स आपको बताएंगे कि लोकल कीवर्ड्स क्या होते हैं, टेक्निकल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स क्या होते हैं। इसके अलावा आप अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में आपको सिखाएंगे कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स कैसे फाइनलाइज करने हैं, उनका कंपटीशन आप कैसे चेक कर सकते हैं, और आप ट्रैफिक कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप कीवर्ड फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपको कंटेंट राइट करना होता है अपनी वेबसाइट के लिए। तो आपको कंप्लीट कंटेंट डेवलपमेंट प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं आपको सिखाया जाएगा। कुछ टूल्स हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग आपको देंगे। कंटेंट रिसर्च सिखाएंगे, टॉपिक रिसर्च सिखाएंगे, और इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कंटेंट में आपको बताया जाएगा। एसईओ को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ऑन पेज एसईओ कहलाती है और एक ऑफ पेज एसईओ कहलाती है।
ऑन पेज एसईओ में, जैसे कि ये वर्ड आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि ऑन पेज में आप वेबसाइट के ऊपर रहते हुए काम करते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, यहाँ पर दो एक्स्ट्रा स्किल्स हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी इमेज की एसईओ कैसे परफॉर्म की जाती है, जो कि आप सोशल मीडिया के लिए भी कर सकते हैं और किसी वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी वीडियो को कैसे रैंक किया जाता है, ये आप यूट्यूब के लिए भी कर सकते हैं, वीमियो के लिए, डेली मोशन के लिए और किसी भी वेबसाइट के लिए। एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, किसी भी वेबसाइट का मोबाइल या रिस्पॉन्सिव या मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कैसे किया जाता है आपको सिखाया जाएगा, और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के कुछ रिसोर्सेज हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आप अपनी वेबसाइट की ऑन पेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को ट्रैक करना होता है और इम्पैक्ट करना होता है कि आया कि जो स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट की है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो आपने उसको मजीद बेटर कैसे करना है, और अगर वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही तो आपने उसे खत्म करके न्यू स्ट्रैटेजी कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये भी आपको सिखाया जाए। लास्ट में आपको एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी कैसे बनाई जाती है, कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी बनाने का फायदा क्या है। इस वक्त मार्केट में मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस है जी कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी, जिसमें हम ऑफ पेज एसईओ यानी कि बैक लिंक्स का बिजनेस करते हैं। बैकलिंक्स के बारे में आपको कंप्लीट बताएंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बैकलिंक्स को राइट वे में कैसे क्रिएट किया जाता है, किसी भी वेबसाइट के जो ऑलरेडी बैकलिंक्स हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेलेवेंट इंडस्ट्री कैसे इफेक्ट करती है बैकलिंक्स के ऊपर, किन पेजेस के बैकलिंक्स आपको बनाना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बैकलिंक्स की वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कंप्लीटली बताएंगे कि बैकलिंक्स की टाइप्स क्या हैं, टेस्टिमोनियल बैकलिंक्स क्या होते हैं, वेब 2.0 क्या होते हैं, ब्लॉगर आउटरीच क्या होती है, लिंक बिल्डिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, ये तमाम चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट कोर्स आउटलाइन था एसईओ का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम बात कर लेते हैं अर्निंग। अर्निंग में हम आपको तीन मेथड सिखाएंगे। फर्स्ट मेथड में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से ऑफलाइन नेशनल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स कहां से हासिल कर सकते हैं, उनका डाटा आपको कहां से मिलेगा, उनसे आप कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे और उनसे आप प्रोजेक्ट कैसे लेंगे। सेकेंडली हम आपको सिखाएंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर आप ये बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया आप तमाम लोग जानते हैं कि एक पावर बन चुका है, सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत अच्छे लेवल पर ये बिजनेस कर सकते हैं। और लास्ट में आपको सिखाएंगे कि आप फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे, फ्रीलांसिंग के लिए हम फाइवर की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको देंगे। फाइवर बेसिकली एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बायर्स मौजूद होते हैं, आपको जस्ट प्रोफाइल बनानी है, अपनी सर्विसेज जिन्हें हम गिग्स कहते हैं वो यहाँ पर लगाने हैं, आपसे डिफरेंट क्लाइंट आपकी सर्विसेज के बारे में कॉन्टेक्ट करेंगे। ये देखिए जिस तरह डिफरेंट क्लाइंट्स ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, और जिसे भी आपकी ऑफर पसंद आएगी वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं आपको फाइवर की 4 माह की अर्निंग दिखा रहा हूं। हमने फाइवर से 4 माह में $3,639 अर्न किए। अगर आप इसे पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 1,40,000 से 1,45,000 रुपए की अमाउंट बनती है, और आप तमाम लोग जानते हैं कि इस लेवल पर पाकिस्तान में अर्निंग करना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए ताकि आप इस लेवल की अर्निंग कर सकें। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि आप इस लेवल की अर्निंग कर सकें। अब आज स्टूडेंट्स आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप इन स्किल्स को सीखिए और घर बैठे अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करें। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है आपके माइंड में, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछिए ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकूं। जी स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स आपका ओपन है, क्वेश्चन टाइप कीजिए, मैं आपको आंसर करता हूं। मिस आप काइंडली उतनी देर इन्हें गाइड कीजिएगा कि एनरोलमेंट कैसे करवा सकते हैं, फीस कैसे सबमिट करवाएंगे, और हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। ओके सही, मैं स्टूडेंट्स को अबाउट ट्रेनिंग के गाइड कर देती हूँ। स्टूडेंट्स 7 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1500 इस कोर्स की फीस है, जो कि आप इसी पैसा जैस कैश और किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं।
लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आप सबको चैट बॉक्स में सेंड करने जा रही हूँ। काइंडली आप सभी से ज्वाइन करेंगे, ये लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है। ज्वाइन करने के बाद काइंडली चैट बॉक्स में मुझे नाज़मी इन्फॉर्म कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर इनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, पेड सेशन का लिंक दिए जाएंगे ताकि आप इजीली अपनी क्लास को अटेंड कर सकें, मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी, लेक्चर में कोई भी मसले मसाले आएंगे उन्हें सॉर्ट आउट करवाया जाएगा, और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो जहां से आपने आज के डेमो सेशन का लिंक लिया है आप वहीं पे कांटेक्ट करेंगे, वो इनरोलमेंट के अबाउट आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप खुद को इस कोर्स में इनरोल करवा सकते हैं। आप लोगों का बैच 48 है जिसकी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है 31 मई से। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है अबाउट इनरोलमेंट के तो आप लोग काइंडली मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर कोशिश करूंगी कि आपको रिस्पॉन्स कर सकूं। और अगर आपकी कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो भी आप पूछ सकते हैं अपने मेंटोर से डायरेक्टली। सेंड टू का ऑप्शन होगा चैट बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे आप लोग उससे हमायों की आईडी को, देन डायरेक्टली आप अपने मेंटोर से क्यूरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी भी स्टूडेंट का। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स आपका ओपन कर दिया गया है, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर तमाम चीजें आपको क्लियर हैं तो काइंडली मुझे यस टाइप कर दीजिए ताकि हम फिर आज के सेशन को वाइंड अप करें। जी मिस, अभी तक स्टूडेंट्स की कोई क्यूरी नहीं है, आप इस सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। ओके सर, एक स्टूडेंट है उनकी क्यूरी है, वो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या आप पीएचपी पे काम करवाएंगे हमें, क्या पीएचपी? नहीं जी, हमारे हम किसी भी लैंग्वेज के ऊपर हम आपको काम नहीं करवा रहे, हम बेसिकली आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिजाइन करना सिखा रहे हैं विदाउट कोडिंग। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस स्किल को सीखिए ताकि आप इंस्टेंट स्किल है इसमें। आप एक जो स्टैंडर्ड वेबसाइट होती है जो कि 3 to 5 पेजेस की वेबसाइट होती है वो आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं विद इन 22 to 24 to 48 आवर्स। तो आप सबसे पहले इस प्रोफेशनल स्किल को सीखिए, अर्निंग स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप लैंग्वेजेस को बिल्कुल सीखिए, वो सीखना आपके लिए बेहतर भी है, लेकिन सबसे पहले आप एक अर्निंग स्किल जरूर सीखिए ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। सर बस यही स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी, अगर आप इजाजत दे तो मैं सेशन को वाइंड अप कर सकती हूँ। जी जरूर। ओके स्टूडेंट्स, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं पेड क्लासेस में। अल्लाह हाफिज़।